Hey everyone, this is Bhumika welcoming you on the set of Radio Rosanna Dil Se Dil Tak. And today, Bollywood ki beatdown hastiyon ki baatein, the jolant gossips and yes of course the love shab diya galla. सुनने में जितनी रोमांटिक लगती है एक्चुअली एंड यू नो के जो कि फिल्मों की तरह नहीं होता जहाँ हीरो हीरोइन विद फैमिलीज मिल जाते हैं. राइट यस आई एम एब्सोल्युटली राइट. एंड यू नो मुंबई की कलरफुल फिल्मी दुनिया के दो चमकते हुए सितारे शाहिद कपूर और करीना कपूर का नाम एक स्टार स्टूडेंट अफेयर के रूप में चमक रहा था. दिल मेरे ना और इंतजार कर. शाहिद एक एनर्जेटिक यंग एक्टर जो अपनी पहली फिल्म इश्क विश्क के बाद सबके दिल में जगह बना रहे थे. वहीं पे करीना एक स्टनिंग ब्यूटी और टैलेंटेड एक्ट्रेस जो अपनी पहली फिल्म रिफ्यूजी के बाद इंडस्ट्री में सेंसेशन बन गए थे. 2004 में शाहिद और करीना की मुलाकात फिल्म फिदा के सेट पर हुई. दोनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर भी इलेक्ट्रिक थी और बिहाइंड द सीन्स भी. फिल्म के शूटिंग के दौरान शाहिद ने अपने चार्मिंग वेज और करीना ने अपनी डेजलिंग स्माइल के साथ एक दूसरे को अपनी दुनिया में ले लिया. एंड रूमर्स उठने लगे कि सेट पर एक रोमांटिक अफेयर का जलवा है बिकॉज जिस तरह से यू नो करीना शाहिद की केयर करती थी और उनकी तरफ अट्रैक्टेड थी तो किसी को भी लगेगा ना कि समथिंग इज हैपनिंग. बट आई डोंट नो कि लोगों को इस प्रकार के रूमर्स फैलाने में यू नो क्या ही मज़ा आता है. मतलब देखो इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों के बीच में कोई लव एंगल ही चल रहा हो. राइट क्या पता है कि इट्स मोर काइंड ऑफ अच्छी फ्रेंडशिप वाली फीलिंग बिटवीन देम. राइट तो खैर होता क्या है कि फिल्म फिदा के दौरान शाहिद और करीना की दोस्ती जल्दी प्यार में बदल गई. यस यहाँ पर र्यूमर सच हो गए. देन उनकी रिलेशनशिप की झलक हर मैगजीन के कवर पर थी और उनकी डेटिंग की खबरें भी हर जगह चल रही थी. एक टाइम था जब दोनों की पब्लिक अपीयरेंसेस एक मेजर गॉसिप पॉइंट बन गई थी और उनकी रोमांटिक डेट्स और कोजी डिनर्स को पेपराजी ने बार बार कैप्चर किया. ये जोड़ी बॉलीवुड की हॉटेस्ट कपल बन गई थी. एंड फाइनली शाहिद और करीना के रिलेशनशिप में मसाला तब आया जब 2007 के आसपास जब वी मेट रिलीज हुए. तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच की केमिस्ट्री ने सबको हैरान कर दिया. मगर इंडस्ट्री में खबरें आई कि शाहिद और करीना के बीच टेंशन भी चल रहा है. स्पेकुलेशन थी कि शाहिद के एक्स फ्लेम विशाल भारद्वाज के साथ उनका कोलैबोरेशन और करीना के सैफ अली खान के साथ उनकी जो बॉन्डिंग है उसने रिलेशनशिप को स्ट्रेन किया. अब यहाँ पे आई एम नॉट श्योर बट अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स एंड इंटरव्यूज लाइक करीना जितनी सीरियस थी शाहिद को लेकर शाहिद उतने सीरियस नहीं थे. और कहा जाता है कि उनकी डैशिंग लुक्स और बिहेवियर की यानी कि उनकी कंप्लीट पर्सनैलिटी की कायल पहले करीना ही हुई थी और करीना ने ही शाहिद को प्रपोज भी किया था. लेकिन बावजूद बेबो के मिलने पर एक्टर ने इधर उधर ताकना झांकना बंद नहीं किया तो उनका नाम आए दिन बॉलीवुड के अलग अलग हसीनाओं के साथ जुड़ रहा था. जैसे कि विवाह की शूटिंग के दौरान और बाद में जहां उनका नाम जुड़ा अमृता राव के साथ में तो कभी प्रियंका चोपड़ा के साथ उनका नाम जुड़ता हुआ नजर आया. तो ये सब उनकी ऑफकोर्स किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ना सुनकर. और सेम चीज़ बेबो के साथ हुई. इसीलिए अब 2009 के आसपास शाहिद और करीना की बीच की केमिस्ट्री जो पहले वाइब्रेंट थी अब थोड़ी डल लगने लगी और मीडिया ने इसे एक बिग ब्रेकअप स्टोरी बना दिया. उनके अलग होने के र्यूमर्स में मसाला तब ऐड हुआ जब शाहिद ने एक हाई प्रोफाइल इंटरव्यू में हिंट दिया कि उनकी रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज थे और करीना ने अपने इंटरव्यूज़ में डिफरेंसेस इन करियर गोल्स का जिक्र किया. दोनों की अलग होने की खबरें बॉलीवुड गॉसिप की टॉप स्टोरीज बन गई थी. हालांकि आई एम नॉट टेकिंग वन साइड ओनली बिकॉज सुनने में ये भी आता है कि फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान सैफ से करीना की नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ जाने के कारण मे बी रिलेशनशिप में एक हटास आई. बट ये ब्रेकअप वो ब्रेकअप था जिसके लिए हम तब तो क्या अब भी तैयार नहीं है. राइट बिकॉज दे लुक लाइक मेड फॉर ईच अदर वाला कपल. मतलब यू सी आर स्पेशली बिफोर मैरिज उन दोनों को देख के लगता है कि बोथ क्यूट फेस इज जस्ट मेड फॉर ईच अदर और दे जस्ट लुक लाइक ईच अदर. खैर सोचने से क्या ही होता है. फाइनली शाहिद और करीना के ब्रेकअप के बाद दोनों ने अपनी ज़िंदगी में अपने नए नए पार्टनर्स को चुना. शाहिद की ज़िंदगी में मीरा राजपूत आई और उनकी शादी ने भी मीडिया के अटेंशन को अट्रैक्ट किया.
करीना ने सैफ अली खान के साथ अपनी लाइफ सेट की और उनकी शादी के बाद भी मीडिया ने उनकी जोड़ी को हाईलाइट किया। शाहिद और करीना की ब्रेकअप के बाद भी उन्होंने अपने करियर्स को नए हाइट तक पहुंचाया। शाहिद की फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस पर जो धमाल मचा दिया और करीना की मूवीज़ ने हिट लिस्ट में अपना नाम बना लिया, तो उनकी पर्सनल लाइफ में भी और स्टेबिलिटी आई और दोनों ने अपनी रिस्पेक्टिव फैमिलीज़ को एस्टेब्लिश किया। उनकी कहानी एक मसालेदार बॉलीवुड ड्रामा है जिसमें प्यार है, दोस्ती है और अलविदा का एक यूनिक ब्लेंड है। शाहिद और करीना की कहानी अब एक लेजेंडरी कहानी जैसी बन चुकी है, बॉलीवुड की दुनिया में एक मेमोरेबल चैप्टर के रूप में। यू नो, प्यार का मसाला, एक बॉलीवुड लव स्टोरी जो हमेशा गॉसिप और ग्लैम से भरपूर है। एंड यू नो व्हाट, जो मुझको लगता है पर्सनली व्हाट आई फील और व्हाट आई बिलीव हियर, कि जितना मज़ा मुझे भी पहले लव स्टोरी सुनने में और कहने में बताने में मज़ा आता था, एक्चुअली आई डोंट फील दैट काइंड ऑफ मज़ा आप, बिकॉज यू नो फाइनली आई फील कि जैसे हम चाहते हैं मे बी हमें कई कई हालातों एंड परिस्थितियों के कारण वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है। एंड आई डोंट नो इज दिस यूनिवर्स समथिंग इट्स लाइक व्हाट द हेल इज लाइफ गोइंग ऑन यार, आई डोंट नो, मतलब इट्स ऑल राइट, मतलब यू नो फीलिंग्स चली जाती है तब जब आपको बार बार वही चीज़ें सेम टू सेम बार बार रिपीट होती है कि नहीं मिला, एनी प्रॉब्लम, तो दैट्स अ थिंग ओनली। एंड bigger and you know they are doing great in their life and I appreciate both of them and every couple like who was in love and who is in love and who will be in love, I appreciate everybody and love is something jo ki duniya se jo ki sabse har cheez se alag hai, love is something kuch upar aur finally I have no words to say anything. Just enjoy and I hope you have liked it. Watch my video completely. अभी तक आपने complete watch कर ही लिया होगा तभी आप यहाँ पर रुके मेरी बात सुन रहे हैं अभी भी। तो like, subscribe and comment, share everything you wanna do. Just do it and for more love stories, follow our channel, follow our YouTube channel. And I'm going because I'm feeling too tired. Bye bye.